हेलो एवरीवन, मैं आपका रोहित आपका दोस्त बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने एडल एक्सपर्ट चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर पर कैसे अपलोड कर सकते हो। तो गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करने के लिए आपके पास कुछ फाइल्स होनी चाहिए, मीन जैसे .ab फाइल या फिर APK फाइल होना चाहिए, या फिर आपके पास ऐप आइकन, स्क्रीनशॉट, फीचर, ग्राफिक्स, ये सभी फाइल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये फाइल अवेलेबल नहीं है तो आप अपने ऐप्स को अपलोड नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास ये सभी फाइल्स अवेलेबल है तो आप इजीली गूगल प्ले स्टोर पे ऐप अपलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड देखते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पे ऐप्स को कैसे अपलोड करते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे ऐप को अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में आना है और ब्राउजर में गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट ओपन करना है। तो सबसे पहले मैं गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट ओपन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारे सामने गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट ओपन हो चुका है। ऐप को अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट ऐप पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐप नेम का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐप नेम को सबसे पहले हम कॉपी कर देते हैं। जो हमारा टाइटल है हमें उसको कॉपी करना है एंड ऐप नेम में पेस्ट करना है। तो देख सकते हो हमने अब हमारा ऐप नेम का टेक्स्ट फिलअप कर दिया। अभी यहाँ पे डिफॉल्ट लैंग्वेज पूछ रहा है, तो आप जो भी लैंग्वेज ऐप के रखना चाहते हो आप रख सकते हो। मैं आपको डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड ईएन यूएस पे आपको क्लिक करना है। मैं आपको यही लैंग्वेज रिकमेंडेड करूंगा अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है तो। अभी पूछ रहा है यू कैन चेंज द लेटर इन द स्टोरिंग स्टेटिंग। आपका ये ऐप है या गेम है, तो आपको अगर आपका सपोज गेम है तो आपको गेम पे क्लिक करना है, बट हमारा ऐप है इसलिए हम ऐप पे क्लिक कर देते हैं। अभी पूछ रहा है हमारा ऐप फ्री है और पेड है, हमारा ऐप फ्री है इसलिए हम फ्री पे क्लिक कर देते हैं। अभी डिक्लेरेशन आ चुका है यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन, हम सब पे दोनों बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपको सपोज यहाँ पे रीड करना है सभी टर्म्स एंड कंडीशन तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो, हमने डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दिया है। अभी आपको क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे लोड हो रहा है एंड आपके सामने लोडिंग गूगल प्ले कंसोल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा ऐप्स का डैशबोर्ड अभी क्लियरली ओपन हो चुका है। अभी हमें कुछ स्टेप्स में इसको डिवाइड करके इसे ऑल कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको ऐप एक्सेस पे क्लिक करना है। जैसे हम ऐप एक्सेस पे क्लिक कर देते हैं हमें ऑल फंक्शन इज अवेलेबल विदाउट स्पेशल एक्सेस पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक कर देते हैं अभी हमें सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको मैसेज आया होगा योर चेंजेस हैज बीन सेव। इसके बाद हमें अभी डैशबोर्ड पे बैक जाना है। जैसे में हम डैशबोर्ड पे बैक आ जाते हैं अभी हमें सेकेंड पे क्लिक करना है एड्स पे। यहाँ पे अभी पूछा जा रहा है डज यूअर ऐप कंटेन एड्स, क्या आपके ऐप में एड्स है या नहीं। अगर सपोज आपके ऐप में एड्स है तो आप यस पे क्लिक कीजिए, अगर आपके ऐप्स में एड्स नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं अभी यस पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि हमारे ऐप में एड्स है एंड अभी मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है यूअर चेंजेस हैज बीन सेव। अभी मैं बैक चला जाता हूँ। जैसे मैं डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ अभी थर्ड ऑप्शन पूछा जा रहा है कंटेंट रेटिंग, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चनरीज का ऑप्शन दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस पूछे जा रही है, तो आपको ईमेल एड्रेस आपको फिल करना होगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ ईमेल आईडी को एंड यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। तो हमने ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर दिया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कैटेगरी कि आपका ऐप कौन से कैटेगरी का है, एंटरटेनमेंट है, रेफरेंस न्यू और एजुकेशनल है, सोशल नेटवर्किंग का है, कंटेंट एग्रीगेशन है, गेम, एंटरटेनमेंट, यूटिलिटी, ये कौन से बेस पे हमारा ऐप डिपेंड है। तो हमारा ऐप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इसलिए हम एंटरटेनमेंट पे क्लिक कर देते हैं एंड नेक्स्ट पे अभी क्लिक कर देते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है क्या आपके ऐप में वायलेशन है, तो हम नो पे क्लिक कर देते हैं। फियर है, सेक्सुअलिटी है, तो आप हो सके तो सब पे नो क्लिक कीजिए।
तो मैं अभी सब पे नो नो क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि जो भी अनवांटेड जो भी ऐप में पार्ट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे वो पूछा जा रहा है। अगर सपोज आपके इसमें कोई भी इसमें से ऐप में कंटेंट है, तो जो भी आपके सपोज डेट आपके इसमें कोई भी सेक्सुअलिटी या फिर ड्रग्स या फिर वायलेशन आपका ऐप हो रहा है, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो। बट हमारे ऐप्स में सेक्सुअलिटी फियर या फिर कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो कि गूगल प्ले स्टोर के पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए मैं नो नो पे क्लिक कर देता हूँ। एंड अभी मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम सेव पे क्लिक कर देते हैं तो सबमिट इन का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, अभी लोड हो रहा है। क्वेश्चनरी सेव, यहाँ पे अभी सेव हो चुका है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है, तो मैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हो हमारा जो समरी हमारे आ चुके, हमारा कंप्लीटली काम हो चुका है स्टार्ट क्वेश्चनरीज का, इसलिए मैं अभी सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी हमें ऐप कंटेंट में जाना है, जो कि बैक हम पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अभी हमें पूछा जा रहा है ऐप कंटेंट में प्राइवेसी पॉलिसी, तो इसलिए मैं अभी स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको पता नहीं कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज कैसे जनरेट करते हैं, तो मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया। मैं आपको यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं सबसे पहले अभी प्राइवेसी पॉलिसी का URL कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर दिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंटर अ वैलिड URL पूछ रहा है, तो सेकेंड सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई है, इसलिए मैं अगेन इसको कॉपी करके देखता हूँ। तो प्राइवेसी पॉलिसी के URL को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड कंट्रोल एंड सी से एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का URL पेस्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे सेव का ऑप्शन अभी हमें विजिबल हो चुका है, तो मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम सेव पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे मैसेज आ चुका है यूअर चेंजेस हैज बीन सेव। अभी मैं ऐप कंटेंट पे बैक चला जाता हूँ। अभी टारगेट ऑडियंस एंड कंटेंट का ऑप्शन पूछ रहा है, तो मैं अभी स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आपके ऐप कौन से एज के लिए अंडरस्टैंडेबल है, फॉर एग्जाम्पल एज 5 एंड अंडर, अगर आपके 5 एज के बिलो के लिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जो भी आपका ऐप जिस एज के लिए कंटेंट में बराबर है, तो आप यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो मेरा ऐप अभी 13, 15, 16, 17 एंड 18 ओवर के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे एज सिलेक्ट कर देता हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है अप्लाई टू चिल्ड्रन, क्या ये ऐप चिल्ड्रन के लिए यूजेबल है या नहीं है। तो मैं एस पे क्लिक कर देता हूँ। अगर सपोज आपका नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हो। मैं एस पे क्लिक कर देता हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा कंप्लीटली काम हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है द टारगेट एज ग्रुप यूअर ऐप इज 13, 15, 16, जो कि हमने चूज किए थे वही यहाँ पे टारगेट एज में आ रहा है। अभी हमारा कंप्लीटली काम हो चुका है टारगेट ऑडियंस एंड कंटेंट में। अभी मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे सबमिटिंग हो रहा है एंड यूअर चेंजेस हैज बीन सेव करके हमारे को मैसेज आ चुका है। तो मैं अभी ऐप कंटेंट पे बैक चला जाता हूँ। अभी हमारा कंप्लीटली ऐप कंटेंट का काम हो चुका है, मैं अभी डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ, या इसलिए मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ सिलेक्ट एंड कैटेगरी एंड प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल। जैसे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका ऐप है या गेम है, तो मैं इस ऐप पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि हमारा ऐप है। सिलेक्ट अ कैटेगरी, हमारा ऐप कौन से कैटेगरी के लिए, हमारा तो एंटरटेनमेंट के लिए, इसलिए मैं एंटरटेनमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपका कोई भी डिफरेंट कैटेगरी है तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। आपको अभी यहाँ से टैक्स सिलेक्ट करना है, मैं मैनेज टैक्स पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आप टैक्स को सर्च भी कर सकते हो या फिर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कोई भी 5 टैक्स सिलेक्ट कर सकता हूँ, लास्ट लिमिट है 5 की, इसलिए मैं 5 ही सिलेक्ट करता हूँ। तो एंटरटेनमेंट फर्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ एंड सेकेंड ह्यूमर पे क्लिक कर देता हूँ एंड अगेन ऐसे कोई भी मैं 5 टैग्स सिलेक्ट कर देता हूँ।
तो देख सकते हो हमने फाइव टैग सिलेक्ट कर दिए। अभी हम अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम अप्लाई पे क्लिक कर देते तो हमारे जो भी हमने ऐप कैटेगरी के ऑप्शन पूछ रहे थे हमने सब सिलेक्ट कर दिए। अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है ईमेल एड्रेस, तो आपको ईमेल एड्रेस यहाँ से फिलअप करना होगा। सेकंड पूछा जा रहा है फोन नंबर, ये ऑप्शन में फोन नंबर एंड वेबसाइट हो सके तो आप फिलअप कर दीजिए, मैं इसको अभी स्किप कर देता हूँ। हमारा अभी स्टोर सेटिंग का पूरा कंप्लीटली काम हो चुका है, इसलिए मैं अभी सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम सेव पे क्लिक कर देते यहाँ पे मैसेज आ चुका है यूअर चेंजेस हैज बीन सेव। हमारा कंप्लीटली अभी काम हो चुका है, इसलिए मैं अभी डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। अभी लास्ट स्टेप है सेटअप यूअर स्टोर लिस्टिंग, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं हमने इस पे क्लिक किया तो आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है ऐप का टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन, आइकन, फीचर ग्राफिक, स्क्रीनशॉट। अगर आपको पता नहीं कि ऐप का आइकन कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो इसका भी मैंने कम्प्लीटली वीडियो बनाया है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका यूआरएल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये भी नहीं पता कि फीचर ग्राफिक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो इसका भी मैंने वीडियो बना दिया है। स्क्रीनशॉट कैसे बनाते हैं इसका भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो इसका भी ट्यूटोरियल आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो सबके ही वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम सबसे पहले अभी ऐप नेम पूछ रहा है, तो मैं ऐप नेम को फिलअप कर देता हूँ। तो ऐप नेम को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पूछा जा रहा है फुल डिस्क्रिप्शन, अगेन यहाँ से भी मैं फुल डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर देता हूँ। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो नीचे अभी ग्राफिक्स का ऑप्शन आ चुका है जिसमें ऐप आइकन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप अपलोड करके अपने प्ले स्टोर के ऐप आइकन को अपलोड कर सकते हो। तो मैं अपने प्ले स्टोर के ऐप आइकन को सिलेक्ट करता हूँ एंड ओपन पे क्लिक करके इसको अपलोड कर देता हूँ। अभी सेकेंड पूछा जा रहा है फीचर ग्राफिक्स, यहाँ से मैं अगेन यहाँ से फीचर ग्राफिक्स को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। बट आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ऐप आइकन का साइज 512x512 का पिक्सल का होना चाहिए एंड फीचर ग्राफिक्स 1024x500 पिक्सल का होना चाहिए। अभी यहाँ पे पूछ रहा है स्क्रीनशॉट, तो यहाँ से आप अपलोड पे क्लिक करके आप अपने स्क्रीनशॉट को अपलोड कर सकते हो। तो मैं सभी स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट कर देता हूँ एंड ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम ओपन पे क्लिक कर देते हो यहाँ अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमें वार्निंग मिली है अपलोड 2 to 8 स्क्रीनशॉट, मिनिमम हमें 2 से 8 तक स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। तो देख सकते हो हमारे स्क्रीनशॉट अपलोड हो रहे हैं एंड कंप्लीटली ये अपलोड हो चुके हैं। अभी हम नीचे चले जाते हैं जो कि पूछ रहा है 7 इंच टैबलेट स्क्रीनशॉट, तो हमें यहाँ से कोई भी स्क्रीनशॉट यहाँ से सिलेक्ट करनी है एंड यहाँ पे अपलोड कर देनी है। एंड सिमिलर 10 इंच टैबलेट के लिए भी यहाँ से कोई भी स्क्रीनशॉट सिलेक्ट कर देनी है एंड ओपन पे क्लिक करना है। तो देख सकते हो हमारा कंप्लीटली काम हो चुका है जो कि मेन स्टोर लिस्टिंग का था। अगर आपको वीडियो का यूआरएल प्रोवाइड करना है तो आप कर सकते हो या फिर ये ऑप्शन में भी रख सकते हो। हमारा कंप्लीटली यहाँ पे काम हो चुका है, मैं इसलिए सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबमिट इम का लोड हो रहा है। अभी यहाँ पे कुछ ही समय बाद मैसेज आ जाएगा यूअर सेव हैज बीन सेव करके। तो देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है यूअर चेंज हैव बीन सेव करके, तो हमारा कम्प्लीटली काम हो चुका है। अभी हम डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। जैसे ही हम डैशबोर्ड पे क्लिक कर देते हैं हमारा जो भी हमारे स्टेप थे वो कम्प्लीटली हो चुके हैं। अभी हमें सबसे नीचे आना है
एंड पब्लिश यूअर ऐप ऑन गूगल प्ले पे क्लिक करना है। सॉरी, हमें जो नीचे व्यू टास्क का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है एंड सिलेक्ट कंट्रीज एंड रीजन पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे सिलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ कंट्री एंड रीजन का ऑप्शन ओपन हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे क्लिक करना है एड कंट्री रीजन। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका ऐप कहाँ पे विजिबल होना चाहिए, कौन से कंट्री में एंड रीजन में विजिबल होना चाहिए। तो मैं ऑल कंट्री को सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर आपको पर्टिकुलर कोई भी कंट्री सिलेक्ट करनी है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ऑल कंट्री पे क्लिक करके सभी कंट्री को सिलेक्ट कर दिया है। अभी मैं ऐड कंट्री रीजन पे क्लिक कर देता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है यूअर ऐप विल बी अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले टू यूजर फ्रॉम 151 न्यू कंट्रीज। हमारा गूगल प्ले स्टोर पे ऐप 151 कंट्रीज में विजिबल रहेगा, इसलिए मैं अभी ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ तो थोड़ी देर बाद में ये देखो यहाँ पे मैसेज आ चुका है 151 न्यू कंट्रीज में ये विजिबल रहेगा करके। अभी हमें लास्ट स्टेप पे आ जाना है जो कि रिलीज है। हम रिलीज पे क्लिक कर देते हैं तो अभी यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट न्यू रिलीज, हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये पेज लोड हो जाएगा एंड हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पूछा जा रहा है ऐप बंडल एंड एपीके। आपके पास एक ऐप बंडल या फिर एपीके की फाइल होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले आपको अपलोड पे क्लिक करना है और जो भी आपके पास बंडल फाइल होगी या फिर एपीके फाइल होगी आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ से एक बंडल फाइल अपलोड कर देता हूँ एंड ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ओपन कर देता हूँ तो वो बंडल फाइल अपलोड होने लग जाएगी। जो आपको रिलीज नोट्स दिखाई दे रहा है इसमें आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फिलअप कर देना है। तो मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी कर देता हूँ एंड वहां पेस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फिलअप कर दिया। तो ऐप अपलोड होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम इस वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो देख सकते हो हमें मैसेज आ चुका है वन ऐप बंडल अपलोडेड, हमारा बंडल फाइल अपलोड हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। जो रिलीज नेम होता है खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है 1.0 एंड एपीआई लेवल 18+, टारगेट एसडीके 29, स्क्रीन लेआउट हमारे स्क्रीन में 4 ही है इसलिए 4 स्क्रीन लेआउट दिखा रहा है। तो हमारे सामने पूरी बंडल फाइल अभी अपलोड हो चुके हैं। अभी हमें सेव पे क्लिक करना है। जैसे हम सेव पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा रिव रिलीज का। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैसेज आ चुका है चेंजेस सेव, यू कैन नाउ रिव्यू यूअर रिलीज बिफोर रोलिंग इट आउट। हमें अभी रिव्यू रिलीज पे क्लिक करना है। जैसे हम रिव्यू रिलीज पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ वार्निंग शो होगी। ये हर इसमें वार्निंग आती है, हो सके तो इसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। अभी हम लास्ट स्टेप स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन पे क्लिक कर देते हैं एंड रोल आउट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम रोल आउट पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा ऐप अभी रिव्यू के लिए चला जाएगा। अभी थोड़ा लोड हो रहा है, लोड होने के बाद हमारे सामने कुछ स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारे सामने ये स्क्रीन विजिबल हो चुके हैं जिसमें लिखा है बींग रिव्यू, हमारा नियर अबाउट 48 आवर्स में ऐप रिव्यू हो जाएगा। 48 आवर्स के बाद हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर पे विजिबल होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा कि अपने ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर पे कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।